हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कठोर जल और मृदुजल क्या होता है इसके बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद कि अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता हम कैसे दूर करेंगे, उसकी जो अस्थाई कठोरता मतलब परमानेंट विधि की परम्यूटेड विधि का पूरा हम विस्तृत जानकारी देंगे कि क्या होती है, इससे मृदु जल को कठोर जल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कठोर जल को मृदु जल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जाके उस पूरी प्रोसेस को हम जानकारी देंगे। तो मृदु जल क्या होता जाके है, वह जल जो साबुन के साथ घुलकर आसानी से झाग देता है। क्या बोला, मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ घुलकर आसानी से और जल्दी से झाग देता है, उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। उसके बाद कठोर जल क्या होता है, कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ घुलकर अधिक कठिनाई से या झाग देता है या बिल्कुल झाग नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। उसके बाद जल में कठोरता कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, नंबर वन परमानेंट और नॉन परमानेंट या टेम्परेरी और परमानेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई कठोरता कैसे दूर करेंगे, रखे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। और अस्थाई कठोरता जिसे कहते हैं परमानेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्या कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड्स, इसके द्वारा बोल करके। उसके बाद अस्थाई कठोरता दूर करने की विधियाँ बताइए, तो अस्थाई कठोरता दूर करने की कितनी विधियाँ हैं, टोटल चार मेथड है, कितने चार हैं। नंबर टू उबाल कर, अब उबाल कर क्या होता है, जाके हम कोई पदार्थ को पानी में रखेंगे, जाके उसको क्या करेंगे, जाके पानी को हम उबालेंगे जाके, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा जाके, लेकिन हमारे जो मटेरियल होगा एलिमेंट होगा वो नीचे बैठ जाएंगे, इसके जरिए हम छान कर पृथक कर सकते हैं जाके। दूसरा हम छान कर भी किसी वस्तु को अलग कर सकते हैं, छान कर क्या है, तो गेहूँ और चावल आपस में मिल के जाके, अब ये तो ना तो उबाल के दूर हो सकते हैं, ना तो पानी में डाल के आ सकते, ना तो छान कर दूर, तो इनको हम क्या करेंगे, हाथ से पृथक कर लेंगे रखे, मतलब बीन ले लेंगे रखे जो देसी भाषा में कहते हैं। उसके बाद कोई एलिमेंट है रखे, नमक है, नमक को हमें पानी से निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे रखे, बॉइलिंग करेंगे रखे, मतलब उबालेंगे रखे, तो नमक क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा रखे। और दूसरा नमक अगर थोड़ा पानी को ठंडा कर देंगे, मतलब बिल्कुल एक शांत जगह पर बैठा देंगे, तब भी पानी नमक नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद क्लार्क मेथड द्वारा भी हम अस्थाई कठोरता दूर कर सकते हैं, धावन सोडा विद, धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के तरह के, आसवन विद द्वारा। अब अस्थाई कठोरता परमानेंट विद द्वारा, तो परमानेंट की जो इम्पॉर्टेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उसी को जानकारी देंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप होता है कि स्थाई कठोरता दूर करने की विधियाँ बताइए तथा किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन करें। तो स्थाई कठोरता दूर करने की कितनी विधियाँ हैं, चार विधियाँ हैं, नंबर वन धावन सोडा विधि, नंबर टू परम्यूटेड विधि जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर थ्री है केलगन का प्रक्रम, नंबर चार आयन एंड बिट में रेजिन द्वारा। तो हमें जो पढ़नी है परम्यूटेड विधि क्या होती है, तो इसके बारे में हमें पढ़नी है। तो इसे व्यापारिक भाषा में कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए परम्यूटेड विधि का प्रयोग किया जाता, क्या बोला, व्यापारिक मात्रा में कठोर जल को मृदु जल बनाने में परम्यूटेड विधि का प्रयोग किया जाता है। परम्यूटेड विधि को जियोलाइट भी कहते हैं, जियोलाइट मेथड भी कहते हैं। तो जियोलाइट का फार्मूला क्या होता है, Na2Al2Si2O8, क्या Na2Al2Si2O8 इसका फार्मूला होता है। तो इसको सिंपल भाषा में एल्यूमिनियम सिलिकेट या जियोलाइट आयन भी कहते हैं, एल्युमिनियम सिलिकेट या जियोलाइट आयन भी कहते हैं। तो इस फार्मूले को हम पूरे को लिखने की बजाय इसको हम किससे, जियोलाइट को के स्थान पे हम क्या कहते हैं, Al2Si2O8, मतलब और हम इसको लिख के दिखाएंगे Al2Si2Al2 उसके बाद क्या है Si2O8। अब इस पूरे की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, जेड का, किसका प्रयोग करेंगे, Al2Si2O8 की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, जेड का प्रयोग। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, Na था Na2 जेड, क्योंकि इस पूरे के हिसाब, जैसे हमारे एक कोई क्लास होती है कि क्लास 12th के स्टूडेंट है, और हमें XYZ की इंडिविजुअल किसी का हमें नाम नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, रखे क्लास 12th के स्टूडेंट कोचिंग पढ़ रहे हैं, रखे हमें इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं पता, तो हमें क्या, हमें इंडिविजुअल नहीं पता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति,
ठीक, हमें इंडिविजुअल इसका नहीं पता, तो इसको हमने इंडिविजुअल को क्या दे दिया, जेड नाम दे दिया, कोई नाम दे दिया, तो हमारे पास क्या होगा, Na2ZZ हो गया रखे। अब परम्यूटेड विधि होती क्या है उसको बताएंगे, फिर हम डायग्राम के जरिए समझेंगे रखे। तो व्यापारिक मात्रा में कठोर जल को कठोर जल को मृत जल बनाने में प्रयोग की जाती है, क्या होती रखे, परम्यूटेड विधि में कठोर जल को मृत जल बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम जियोलाइट, ठीक, सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, इसे परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। वास्तव में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इधर देखो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, इसका फार्मूला क्या था, Na2Al2Si2O8 इसका फार्मूला होता है। तो सरलता की दृष्टि से, मतलब हम इसको सरल तरीके से पढ़ सके, तो इसलिए हम Al2Si2O8 की जगह पे हम जेड का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला लिख के आता है Na2ZZ निकल के आता है। अगर अभी आप परम्यूटेड विधि दोनों प्रकार के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है, कठोर जल को मृत जल बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और मृत जल को कठोर जल बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अभी लिखो, मतलब खाली समझ लो, रख लिखाएंगे एक साथ में। परम्यूटेड एक विशेष प्रकार का पात्र होता है, जो परम्यूटेड नाम है इसको कहते हैं। परम्यूटेड एक विशेष प्रकार का क्या है, पात्र है, पात्र मतलब बर्तन होता है। परम्यूटेड क्या होता है, एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है जो कठोर जल को इसमें प्रवाहित किया जाता है। हमने क्या किया है, कठोर जल को इसमें क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जिसमें कठोर जल को इसमें प्रवाहित किया जाता है, जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसके साथ क्रिया करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो सोडियम परमाणु के स्थान पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमाणु आ जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमाणु आ जाते हैं, परमाणु आ जाते हैं, तो सोडियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट के लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट के लवण बनाते हैं, अभी जो हम बताएंगे जाके आपको। उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम के अविलेय, अविलेय का मतलब होता है, विलेय का मतलब होता है घुलनशील, जो किसी पदार्थ में घुल जाता है, अविलेय का मतलब नॉन घुलनशील, जो उस पदार्थ में नहीं घुलता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो उस पदार्थ में नहीं घुलेगा, कि जितने टर्म्स हैं मतलब सब में तो किसी ना किसी में तो घुलेगा रखे, लेकिन हमें जो प्रोसेस करें उसमें नहीं घुलेगा रखे, ठीक। उसके बाइकार्बोनेट के लवणों के घुले रहने के कारण कठोर जल जल नहीं रहता है, और इसके हम फिर फार्मूले बताएंगे, पहले हम इसको देखते रखें, फिर इसकी हम प्रोसेस बता रखें क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या, एक कठोर जल होता रखे, यहाँ पर टंकी होती है, हमने कठोर जल को क्या क्या रखे, इसको यहाँ पर डाला जाता है, कठोर जल यहाँ पे आगे रखे, जब कठोर जल एक परम्यूटेड पात्र है, यहाँ पे बालू के रेत हैं, छोटे छोटे बालू के क्या है, कण होते हैं, तो बालू के कण यहाँ पे परम्यूटेड विधि द्वारा जब इसका प्रोसेस होता है, फिर जो यहाँ पर से जो क्या बालू के कण तो नीचे बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो मृत जल होता है वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से हम टोटी की सहायता से मृत जल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी परम्यूटेड विधि का पात्र होता है। पर नमक का विलयन डालते हैं, नमक NaCl होता रखे, और इसमें कठोर जल डालते हैं, जब कठोर जल डालते रहते हैं उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, बालू के कण नीचे बढ़ जाते हैं और मृत जल ऊपर ऊपर से हम टोटी के द्वारा निकालते रहते हैं। इस प्रकार से कठोर जल आता रहता है और शुद्ध होकर वो मृत हो जाता है, क्योंकि जितने हमारे मटेरियल अशुद्धियाँ घुली होती है वो नीचे बैठती जाती हैं, और ऊपर प्योर हम टोटी के जरिए निकालते रहते हैं। अब इसके बाद हम इसका बताएंगे रखें कि क्या प्रोसेस होती जाते हैं। नंबर वन, इसके हमने क्या बता रखे, इसका फार्मूला होता है Na2Al2Si2O8। अब इसकी क्या करेंगे रखे, इसके साथ हमने क्या किया रखे, कैल्शियम क्लोराइड लिया, क्या किया रखे, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसको हम क्या करेंगे रखे, निकालेंगे रखे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रखे, अब यहाँ पे जो हमें शुद्ध दिख रहा रखे, अभी हमने क्या डाला था, सबसे पहले नमक डाला था, नमक का फार्मूला हमने क्या बताया, NaCl, Na यहाँ पे दिख रहा हमारे साथ, Cl यहाँ से दिख रहा रखे, तो क्या हो जाएगा, NaCl, आज समझ में, क्योंकि नमक डाला तो NaCl। अब हमारे पास बचा क्या, Cl बचा रखे है, तो इसको हम क्या करेंगे,
यहाँ पे सी ए बचा रखे तो प्लस सी ए, फिर क्या बचा ए एल टू, ए एल टू एस आई टू ओ एल। अब यहाँ पे एन ए सी एल कितने, सी एल कितने हैं दो, यहाँ पे कितना एक, यहाँ पे एन ए टू कितने दो, यहाँ पे भी दो, दो एन ए होगा दो सी एल होगा, बराबर हो गया हमारी सॉल्यूशन। समझ में आया क्या होता रहते हैं, हमें दूर से एलिमेंट दिख जाते हैं कौन सा पदार्थ अलग होना है कौन सा नहीं होना रहते। अब इसके जो हमें फार्मूले करने हैं उसके बाद हम देखो इसको अथवा करके मतलब और से हम रिएक्शन समझेंगे रहते हैं। हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम क्लोराइड लिया रहते हैं, क्या लिया नंबर टू पर कैल्शियम क्लोराइड लिया रहते हैं ठीक। अब हमने जो बताया था कि हम जो हमने लिखा था सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम सरलतम भाषा में समझने के लिए उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, जड़ का प्रयोग करते हैं, तो हमने लिखा था एन ए जड़ जे। अब इसको हम क्या करेंगे रखे बनाएंगे, तो क्या दिख रहा एन ए सी एल, कोई प्रॉब्लम, एन ए सी एल आगे रखे और दूसरा क्या बचा रखे सी ए जड़, कोई प्रॉब्लम आ जाके। अब हम देख लेंगे कि बराबर हो जाके सी एल यहाँ पे कितने हैं दो, यहाँ पे कितना है एक दो कर दिया जाते। अब यहाँ पे एन ए कितने होंगे हमारे पास से दो, यहाँ पे भी दो कर दिया जाते। अब यहाँ पे जड़ ए कितना होंगे रखे जड़ दो होकर रखे, यहाँ पे कितना हमारे पास जड़ होकर रखे एक यहाँ पे। अब देखो हमें फिर से देखना, अब सी ए हमारे पास यहाँ पे कितना है एक, यहाँ पे हमारे पास होंगे रखे दो, तो हम किससे बराबर करेंगे रखे यहाँ पे जो हमारे पास Na है यहाँ पे Na2 है तो पे 2 लिखेंगे लिखे। ठीक, तो हमारे पास जो प्रोसेस बनेगी Na2 देखो, फिर से देखो यहाँ पे Na2 कितने, Na कितने हैं दो, यहाँ पे भी दो, जड यहाँ पे कितना एक, यहाँ पे एक, सी ए यहाँ पे कितना एक, यहाँ पे एक, सी एल यहाँ पे कितने हैं दो, यहाँ पे भी दो, बराबर हो गए रहते। अब इसे सेकेंड इक्वेशन लेंगे रहते, सेकेंड इक्वेशन क्या पे लेंगे रहते, क्या हम लेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई जहां पे भी एच लगेगा वहां पे बाई हो कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब इसके भी क्वेश्चन करेंगे, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट के साथ हमें क्या हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेड विद, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा एन ए टू जेड। अब यहां से क्या हमें दिख रहा एन ए यहां से एक निकलेगा और सी ए, अब एन ए सी ए तो निकल नहीं सकता क्योंकि हमें क्या एन ए सी एल निकलेगा रखे, तो हम क्या निकाल सकते रखे कि सोडियम बाई कार्बोनेट निकल सकते रखे, क्या सोडियम बाई कार्बोनेट यहाँ से है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हमें आपको ये चीज़ नहीं पता होगी रखे कि यहाँ पे हम कैसे देखते हैं, इसका प्लस इसका माइनस, ए प्लस ए माइनस हमेशा उल्टा जाएगा, प्लस प्लस साथ में नहीं जाते हैं, या तो कोई एलिमेंट बन रहा होगा तब जाएगा वैसे नहीं जाएंगे। अब देखो एन ए कितना है प्लस का साथ आया और माइनस का साथ आया और बाकी प्लस माइनस एक साथ आ जाएंगे सी ए जेड, फिर से देखो माइनस प्लस एक साथ आ गए, मतलब कि प्लस प्लस एक साथ नहीं आएंगे रह के, एक जनरेशन के लोग एक साथ नहीं आएंगे, मतलब प्लस प्लस के एक साथ नहीं आएंगे रह के और माइनस माइनस के एक साथ आएंगे, प्लस माइनस आएंगे रह के ओके, कोई प्रॉब्लम आई जाके। अब इसी प्रकार से हम और भी कर सकते हैं क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं उतने हमारे लिए कॉपी हैं ओके।